स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेवन मैथ आई एम अली योर टीचर आज के इस लेक्चर लेक्ट करेंगे वन पॉइंट सेवन एक्सरसाइज को और उसका क्वेश्चन वन और टू हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे ये आपका अगर बात करें चैप्टर की तो ये आपका सेट्स के बारे में चैप्टर है सब डोमेन इसकी सेट्स बनती है ठीक है तो सेट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनको लिखने के वेस क्या क्या होते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू हम किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे ओके okay, तो बात करते हैं हम 1.7 पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर वन और टू की जो कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन वन को पढ़ लेते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म अब ये क्या होता है सेट्स तो हो गए सेट्स क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट या ग्रुप्स की बात करें ग्रुप्स को हम सेट्स भी कहते हैं मैथमेटिकली अब आपके पास यहाँ पर टेबुलर फॉर्म क्या होती है देखें सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिखने के तीन वेज होते हैं जो फर्स्ट वे है वो टेबुलर फॉर्म होती है यानी कि आपको पहले भी पता होगा कि हम हाँ अगर सेट्स को लिखें इस फॉर्म में ये होती है कर्ली ब्रेसिस ब्रैकेट्स और अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ए बी सी और यहाँ पर डी आ जाएगा ठीक है अब ये आपके पास एक सेट है इसको आप नाम दे किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट ए का आप नाम दे दें इसको ठीक है अब ये हमारे पास एक सेट है अगर इस वे में आपको एक सेट मिले लिखा हुआ उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म यानी कि हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर अगर एलिमेंट्स आए कॉमास के थ्रू वो सेपरेट हो रहे हों उसको बोलते हैं सेट्स की जो टाइप है लिखने के लिहाज से वे ऑफ राइटिंग के लिहाज से वो क्या बनती है वो बनती है टेबुलर फॉर्म तो जो आपको यहाँ पर सेट्स गिवन है दे ऑल आर इन अगर फर्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करें तो दे आर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि जिसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन होगी उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपने उस फॉर्म से यहाँ पर इन सर्ट्स को इस टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है यानी कि आपने उनकी एलिमेंट्स को लिखना है इंडिविजुअली हर एलिमेंट को आप लिखेंगे और उनको आप कॉमर्स के थ्रू सेपरेट करेंगे ओके तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ठीक है वो हमारे पास यहाँ पर है के आपने लिखना है सेट ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स ठीक है इस आपने जो आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेट ए गिवन है ठीक है इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू टेबुलर फॉर्म तो ए पार्ट हमारे पास लिखा क्या हुआ यहां पर सेट ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर सेट ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स ठीक है अब इससे में अगर आपको एक सेट मिले उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ठीक है अब इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है इनटू टेबुलर फॉर्म के अंदर तो टेबुलर फॉर्म में आप क्या करेंगे आपने सेट ए नाम वही देना है ठीक है ब्रैकेट लगाएंगे और अब जो इस स्टेटमेंट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे सेट ऑफ फर्स्ट फाइव और नंबर्स और नंबर होते हैं क्या जो टू पर डिवाइड नहीं होते लाइक वन इज़ अ ऑड नंबर थ्री इज़ अ ऑड नंबर फाइव इज़ अ ऑड नंबर सेवन नाइन ये है आपके फर्स्ट फाइव ऑड नंबर ठीक है आपने पहला क्या होता है ऑड नंबर वन होता है उसके बाद थ्री इज़ अ ऑड नंबर उसके बाद फाइव आता है देन सेवन आता है देन नाइन देन आता है इलेवन लेकिन आपने लिखनी है फर्स्ट फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो आप इलेवन को यहाँ से रेज कर देंगे तो ये आपके पास एक सेट बनेगा जिसके अंदर आपके पास क्या है फर्स्ट फाइव और नंबर्स आ रहे हैं ठीक है ये था फर्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जिसके अंदर बी सेट है सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक कि एक वीक के अंदर जो डेज आएंगे उनको आपने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना लिखना है ओके लिखते हैं तो ये था फर्स्ट पार्ट ठीक है सेकेंड पार्ट का जो आप कह लें कि आंसर आएगा टेबुलर फॉर्म में ठीक है वो क्या बनेगा उस उसको आप बी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और आप लिखाएंगे यहां पर ब्रैकेट्स ठीक है बिकॉज टेबुलर फॉर्म के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स कॉमास की फॉर्म में सेपरेट होके लिखे जाते हैं तो यहां पे आपके पास डेज ऑफ वीक है यानी कि आपके पास जो डेज ऑफ वीक है ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट आप मंडे से स्टार्ट करें मंडे उसके बाद ट्यूजडे आप टू सो ऑन तो फर्स्ट एलिमेंट जो बी सेट का बनेगा वो आएगा मंडे उसके बाद ट्यूजडे देन वेंसडे, थर्सडे ठीक है उसके बाद आप लिखें यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे एंड देन लास्ट पे हमारे पास संडे आ जाएगा ओके okay. और आप इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे ये आपके पास बनी है डेज ऑफ वीक की टेबुलर फॉर्म ठीक है तो मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर जो कि यहाँ पर हमें गिवन है सी इज इक्वल सेट ऑफ द लास्ट फाइव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ठीक है आपने इंग्लिश के जो लास्ट फाइव अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है ठीक है टेबुलर फॉर्म के अंदर तो ये हमारे पास आप कह लें कि सी इसको नाम दिया सेट को और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा करली ब्रैकिस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे और एलिमेंट्स आपने कौन से लिख रहे हैं सेट ऑफ लास्ट फाइव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो लास्ट फाइव स्टार्ट कहाँ से होते हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी ठीक है तो आप यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वी देन डब्ल्यू उसके बाद एक्स देन वाई और फिर जी ये हमारे पास है लास्ट फाइव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ठीक है ओके okay. तो लास्ट पे इसके बाद आपके पास अगर देखें फोर्थ पार्ट को तो वो हमें गिवन है यहाँ पर ठीक है डी सेट सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन एंड लेस देन ट्वेंटी फाइव आपने यहाँ पर क्या करना है आपने यहाँ पर जो नंबर्स है इवन नंबर्स ठीक है पर्टिकुलरली इवन नंबर्स लिखने और कहाँ से कहाँ तक लिख नाइन से बड़े और ट्वेंटी फाइव से लेस ठीक है तो नाइन से जो ग्रेटर नंबर है इवन वो कौन से बनते हैं अब वो आपके पास यहाँ पर इसको डी का नाम दिए सेट को ठीक है वो आ, उसमें एलिमेंट्स आएंगे नाइन के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर वो टेन आता है ठीक है तो टेन देन ट्वेल्व उसके बाद फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी देन ट्वेंटी टू उसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्वेंटी फोर ठीक है ये है लेस देन ट्वेंटी फाइव इवन नंबर्स और नाइन से ग्रेटर ठीक है अब इसके बाद अगर आप बात करें पार्ट नंबर फिफ्थ की उसमें आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन ठीक है ये सेट्स की थर्ड टाइप होती है कि आप अगर वे ऑफ राइटिंग के लिहाज से देखें सेट्स की तीन टाइप्स होती हैं पहली टेबुलर फॉर्म देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड पे आती है सेट बिल्डर फॉर्म मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इन अगेन टेबुलर फॉर्म के अंदर ठीक है ओके तो फिफ्थ पार्ट में जो आपको यहाँ पर सेट लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ठीक है ताकि आपको समझा भी दूँ कि वो आपने पढ़ना किस तरह से है इसको अंडरस्टैंड आपने किस अंदाज़ में करना किस तरह आप इसको रीड आउट करेंगे तो हमारे पास ई एक सेट है और उसके अंदर जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं एक्स सर्च दैट एक्स सर्च दैट एक्स बिलोंग्स टू यानी कि एक्स हमारे पास यहाँ पे अनो नंबर है जो हम यहाँ बाद में लिखेंगे भी z z इज अ इंटीजर हमारे पास x सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे बिलोंग बिंग एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे इंटीजर्स में से z इज अ अंटीजर्स है ठीक है अब उसके बाद एंड अब कंडीशन है कि उस सेट में से भी कहाँ से कहाँ तक आपने लिखने हैं माइनस नाइन से ग्रेटर यानी कि x हमारे पास जो है वो ग्रेटर होगा इक्वल होगा माइनस नाइन से और लेस देन होगा लेस देन इक्वल होगा वो 12 से ठीक है यानी कि आपके पास जो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे वो आएंगे इंटीजर सेट में से उसके बाद उसमें से भी आपने कौन से चूज करने जो माइनस से होंगे ग्रेटर और ट्वेल्व से लेस होंगे अगर यहां पर एक्स दरमियान में मिड में लिखा हुआ है तो इसका इस ये फेस होते हैं इन इक्वेलिटी के जो हम पहले कर भी चुके हैं तो अगर इसकी तरफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ हो अगर इसका फेस x की तरफ ओपन है तो इसको आपने पढ़ना है कि x हमारे पास ग्रेटर होगा x इज ग्रेटर देन अगर यहाँ लिखूँ टू तो टू से बड़े तमाम के तमाम एलिमेंट इसमें आएंगे ठीक है अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेस अगर फेस इसका इस तरफ क्लोज कर दूँ x से तो x लेस हो जाएगा किस से आप मान लेंगे फाइव से तो इस तरह आपने इसको पढ़ना है ठीक है अब हमने करना है इस सेट को सॉल्व ठीक है तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर जो गिवन uh, गेवन सेट है वो है इंटीजर्स का तो मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख लेता हूँ इंटीजर्स को ठीक है इसमें नंबर आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं ठीक है दरमियान में आता है जीरो यहाँ पर मिड में यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस जैसे आप रियल लाइन को लिखते हैं ठीक है वैसे ही आपने इनमें नंबर्स इन को लिखना होता है और राइट right में आएंगे पॉजिटिव वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन और ये भी ऐसे ही पीछे चलते रहते हैं आगे, आगे आप तो सोन ठीक है अब हमने नंबर्स लिखने हैं माइनस नाइन से ट्वेल्थ तक तो हमारे पास यहाँ पर कहीं मान लें कि क्या होगा यहाँ पर कहीं होगा यहाँ पर फाइव है यहाँ पर सिक्स आएगा सेवन माइनस एट और माइनस नाइन आप टू तो पीछे भी जा रहे हैं ठीक है ठीके? और आप टू तो यहाँ पर आपने ट्वेल्थ तक चूज करने तो माइनस नाइन से नंबर स्टार्ट होंगे माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स अप टू ट्वेल्व तक आप इन नंबर्स को बस लिखेंगे ठीक है हालांकि ये सेट बहुत बड़ा है लेकिन इस सेट में से भी आपने नंबर जो चूज़ करने हैं वो कौन से आप कौन से आप चूज़ करेंगे माइनस नाइन से ट्वेल्व तक तो आप यहाँ पर लिखें ई ए सेट जो है उसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी माइनस नाइन उसके बाद माइनस एट दिन माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री एंड देन माइनस टू माइनस वन और देन जीरो और उसके बाद आएंगे नंबर पॉजिटिव कहाँ तक ट्वेल्व तक ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन के बाद इलेवन और फिर ट्वेल्थ ये हमारे पास बनी है इस सेट की टेबुलर फॉर्म ठीक है तो हफ्सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा अब इसके बाद हमारे पास जो इसी की आप कह लें कि नेक्स्ट सिक्स पार्ट है क्वेश्चन वन का उसमें हमारे पास है यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एक्स सेच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ ओ फॉर ऑड नंबर ठीक है तो आपने यहाँ पर जो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं उस सेट को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखना है ठीक है अब उसको आप कैसे लिखेंगे उसको लिखने का भी हमारे पास होता है ये लिखा कैसे हुआ है एफ हमारे पास एक सेट है ठीक है, है और उसमें एलिमेंट्स आएंगे आप कह लें कि एक्स ही हैं ठीक है अभी हैं और कहाँ से आएंगे वो ऑड नंबर्स होंगे अब इसके बाद आगे कोई और कंडीशन नहीं है जैसे यहाँ पे थी ये यह वाली यहाँ तक ये यह बस ये सर ठीक है यानी कि इसमें सारे के सारे जी अगर यहाँ तक होता तो आप सारा सी जी सर लिख लेते अब यहाँ पर हमारे पास ओ है आगे कंडीशन नहीं है कि ओ में से भी आपने कौन से चूज करने तो आपने फिर आगे जब कंडीशन ना हो ठीक है तो फिर आपने सारा का सारा जो और नंबर्स का सेट है वो लिख लेना है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या क्या होता है और नंबर्स का सेट आप ये प्लस में भी आते हैं और नेगेटिव में भी आते हैं ठीक तो है तो यहाँ पे लिखें आप प्लस माइनस वन इज अ और नंबर प्लस माइनस थ्री इज अ और नंबर प्लस माइनस फाइव इज अ और नंबर देन प्लस माइनस सेवन अप टू सो ऑन यही पैटर्न आगे फॉलो होगा तो ये हमारे पास बन गई है इस सेट की टेबुलर फॉर्म ठीक है ओके अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेवेंथ पार्ट के अंदर जी इज़ अ सेट और उसमें एलिमेंट्स हैं नेचुरल ठीक है natural, और कहाँ तक हैं लेस देन फिफ्टीन तक अगर आप यहाँ पर इस सेट की जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है ठीक है वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसके बाद हमें यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है कि एक्स आपके पास लेस देन फिफ्टीन है तो मुझे बताइएगा कि फिफ्टीन से लेस तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स कौन सी होंगे पहली बात की जो आपका एन सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर वन से साठ होता है वन से लेकर फोर्टीन तक आपके इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे यानी कि फिफ्टीन से लेस फोर्टीन तक ठीक है तो वो हमारे पास क्या बनेंगे वो बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 15 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x इज लेस देन 15 अगर यहाँ पर इसके साथ ये लाइन भी होती ना तब ये इसके इक्वल भी होता 15 तब शामिल होता जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लाइन थी नीचे इक्वल की लाइन होती है ठीक है तो 15 जो हमने यहाँ पर 12 को शामिल किया था हमने यहाँ पर माइनस नाइन को इंक्लूड किया है अगर ये लाइन ना हो तो फिर आपने उस नंबर से लेस आपने नंबर लिखने होंगे इस 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 क्वेश्चन के अंदर ठीक है वो फोर्टीन तक बनते हैं तो इस बेटा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है तो ये था आपका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट को अगर हम पढ़ें अगेन हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है अ सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स पहली बात मुझे आप बताइएगा कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं जी सोचें वो तमाम नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं या जिनके जस्ट टू फैक्टर्स ही हों ठीक है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स तो पहला प्राइम कौन सा है टू इज अ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर जो कि सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर इवन है जो प्राइम बाकी सारे प्राइम ऑड होते हैं ठीक है तो ये कुछ एम भी हैं जो साथ में आपको कवर कर रहा हूँ ठीक है तो इसको रेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेट ऑफ फर्स्ट सेवन प्राइम नंबर्स जिसमें आपके पास हैं यानी कि आपको जो सेट गिवन है नाम तो खेज कर नहीं हुई इसको आप नाम दे दें खुद से ए का ए इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट सेवन प्राइम नंबर्स तो मुझे बताएगा बताइएगा कि आपका जो फर्स्ट प्राइम है कौन सा होता है जी वो टू होता है उसके बाद थ्री आएगा देन फाइव है देन सेवन है नाइन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज वो थ्री के टेबल में भी आता है तो प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं ठीक है तो एलेवन इज़ अ प्राइम नेक्स्ट उसके बाद थर्टीन इज अ प्राइम देन सेवनटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए तो यहाँ तक आपने इस सेट को लिखना होगा तो ये इसका बनता है फाइनल आंसर तो होप्सो तो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए होंगे अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू मिलते हैं तब अल्लाफ